First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic microbes as biocontrol agent. Before going to start, first revise our previous class content that microbes in industrial areas, how in industrial areas, how many types of products are synthesized, for example, in the formation of beverages, then in the formation of antibiotics, microbes are also used. Then microbes in household things, microbes in the production of biogas, then also they are used in sewage treatment. Then today's topic is microbes as biological biocontrol agent. What is biocontrol agent? That is how many biocontrol, that means ki jitne bhi paste hain, paste for example jaise bhi jitne bhi insects hain, pests hain, helminthes hain aur jitne bhi jo parasites hain jo generally use karte hain plants ko as a food content aur animals plants pe depend hain apne food ke liye aur other सब्सटेंसेस के लिए, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के लिए, तो उनके कंट्रोल को उनको कंट्रोल करना बाय बायोलॉजिकल मेथड, दैट मीन्स कि हम किसी केमिकल का यूज ना करके किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम यूज करते हैं उनके कंट्रोल के लिए तो उसे बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है या बायोलॉजिकल एजेंट्स बोला जाएगा ना. यहाँ पे किया क्या जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. तो इन जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का यूज करने की वजह से जो अदर एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो सिर्फ वो हार्म नहीं करते, इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करते हैं, वो ओवरऑल जितनी भी इंसेक्ट की स्पीसीज होंगी, अदर वो बेनिफिशियल है और हार्मफुल है, दे डिस्ट्रॉय ऑल स्पीसीज और मेनली ऑल स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. न कि वो इंसेक्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, वो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी डिस्ट्रॉय करेंगे और अदर प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, इवन ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है. देन बायोलॉजिकल कंट्रोल में जितने भी जो भी हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स जो यूज किए जा रहे हैं उनसे वो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज ही सिर्फ डिस्ट्रॉय होगी, ना वो हार्म पहुंचाएंगे अदर ह्यूमन को, ना ही अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ना कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं इन टुडेज लाइफ इज केमिकल्स, मेनली कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जनरली ये क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इंसेक्ट्स ही पर्टिकुलर किसी एक इंसेक्ट को नहीं किल करेंगे, ओवरऑल जो इंसेक्ट की स्पीसीज होंगी ये उन्हें भी किल कर देंगे ना. वीडिसाइड्स सिमिलरली वीडिसाइड्स के भी साथ यही होगा, दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक वीड या ग्रासेस को किल नहीं करेंगे, जो अदर इनमें वहाँ पे स्पीसीज होंगी ये उन्हें भी डिस्ट्रॉय करेंगे. तो जनरली ये वीड्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ वीड ही डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जो अदर वीड हैं जो हमें जरूरत नहीं है किल करने का या जो ऑलरेडी बेनिफिशियल है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना. हर्बिसाइड्स और आल्सो यूज हर्बिसाइड्स हर्ब्स के लिए जनरली यूज किए जाएंगे ना. हेलमेंथीसाइड्स फॉर एग्जाम्पल हेलमेंथीसाइड्स दैट मीन्स कि जितने भी नीमेटोड होंगे हेलमेंथीस एग्जाम्पल नीमेटोड इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्चुअली में यूज किया जाता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स वैसे ही सेम ये जो मेथड है इसके लिए भी फॉलो होगा, ये भी सिर्फ
हेलमेंट्स को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे और निमिटोड को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके सिवा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जांपल, जितने भी पेस्ट रहेंगे रदर देन इंसेक्ट्स जो जनरली पैरासाइट्स हैं वो सभी इसके थ्रू किल किए जाएंगे ना। इतने सारे केमिकल्स यूज़ करने की वजह से क्या होगा, ये ऑल पूरे एनवायरनमेंट में इसे किसी भी फॉर्म में स्प्रे किया जाए ये पूरे एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एयर में प्रेजेंट रहेंगे। अब एयर के थ्रू ये ह्यूमन बीइंग को तो ह्यूमन बीइंग के लिए पॉल्यूटेड तो है ही है, साथ में जो भी एनवायरनमेंट है हमारा वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है इन सभी हर्बिसाइड और जितनी भी इंसेक्टिसाइड्स हैं ना। इनके यूज़ को कम किया जा सके क्योंकि ये क्या करेंगे कि सिर्फ ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है, जो अदर स्पीसीज हैं एनवायरनमेंट में बर्ड्स और अदर मैमल्स देन अदर रेप्टाइल्स बर्ड्स एवीज मैमल फॉर एग्जांपल, उन सभी के लिए ये हार्मफुल होंगे। तो सिर्फ ये जनरली ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। उस ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है उसके सिवा जो अदर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक स्पीसीज की प्रोडक्टिविटी या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक स्पीसीज को बढ़ाने के लिए हम कई सारे स्पीसीज को इन सभी इंसेक्टिसाइड और केमिकल से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि हम सिर्फ एक स्पीसीज को ग्रो कर रहे हैं, बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं जो डिपेंड हैं उन पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वैसे वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। यूज ऑफ बैक्टीरिया एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जीनस एंड स्पीसीज नेम इज थ्यूरिनजेनेसिस। अब यहाँ पे इस बैक्टीरिया में एक्चुअली में ये होगा क्या, यूज ऑफ यहाँ पे इस बैक्टीरिया को यूज करके स्प्रे के फॉर्म में इसके स्पोर्स अवेलेबल होते हैं ड्राइड सैकेट्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे ड्राइड सैकेट्स को क्या किया जाएगा, स्पोर्स को वाटर में डिजॉल्व करके स्प्रे कर देंगे जब जितने भी क्रॉप हैं उन पे सभी पे एज ए जैसे केमिकल स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स वीडिसाइड्स, ठीक उसी तरीके से इसे भी स्प्रे किया जाता है। तब क्या होगा कि ये क्योंकि ये जनरली कंट्रोल करने कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर लार्वा जो मेनली जितने भी लीफ होंगे जैसे ब्रैसिका और जो अदर क्रॉप हैं उनके ब्रैसिकाज और फ्रूट ट्रीज इनके फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनके मेनली जो फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर हम देखते हैं जैसे वहाँ पे कॉलीफ्लावर में कैटरपिलर लार्वा रहते हैं जो पूरे कॉलीफ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली वो बटरफ्लाई के लार्वा रहेंगे कैटरपिलर, उन्हें रोकने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। जब भी कैटरपिलर लार्वा फीड करेंगे ऑन लीफ फ्रूट या किसी भी प्लांट के पार्ट को तब क्या होगा कि ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस उनके गट रीजन में पहुंच जाएंगे और वो टॉक्सिन प्रोडक्शन का टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे जिसके वजह से
उनकी कैटरपिलर लार्वा की डेथ हो जाएगी ना, यहाँ पे पर्टिकुलर उस कैटरपिलर लार्वा की डेथ होगी और कि ये उस कैटरपिलर लार्वा को किल करेंगे, इससे एनवायरनमेंट में कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा ना किसी अदर स्पीसीज को हार्म पहुंचेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैसिलस थुरिंजियेंसिस। बैसिलस थ्यूरिंजियेंसिस में क्या किया जाएगा? बैसिलस थ्यूरिंजियेंसिस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन क्रॉप फील्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। Introduced in crop field form of spray, spray के form में जिसमें इसे water में dissolve करके वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाएगा और स्प्रे कर दिया जाएगा, स्प्रेड ऑन क्रॉप फील्ड। तो क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड में स्प्रे कर दिया जाएगा। अब जब कैटरपिलर लार्वा, अब यहाँ पे इन्हें एक्चुअली में ये होता क्या है, जब ये किसके लिए सबसे पहले किसके लिए किसके किसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, दे कंट्रोल कंट्रोल कैटरपिलर लार्वा लार्वा कैटरपिलर लार्वा को कंट्रोल करेंगे और बटरफ्लाई ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा को ये कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो जितने भी बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा हैं, ये कहाँ पे एक्चुअली में ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ये ब्रैसिका के सम प्लांट्स पे, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर एंड कॉलीफ्लावर में जनरली, तो यहाँ पे ब्रैसिका के कुछ प्लांट्स में, देन फ्रूट जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं उनके लीफ पे और फ्रूट पे ये डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी इस क्रॉप फील्ड में ये स्प्रे कर दिया जाएगा तो ये लीफ स्प्रे करने के बाद, अब जितने भी लीफ पार्ट है उस पे ऑलरेडी ये ब्रैसिका के स्पोर्स प्रेजेंट है। अब जब भी ये कैटरपिलर लार्वा फीड करेगा, व्हेन दिस कैटरपिलर लार्वा फीड ऑन दिस लीव्स ऑफ फ्रूट, तब क्या होगा, दे आर ट्रांसफर्ड द स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजियेंसिस आर ट्रांसफर्ड इनटू द गट ऑफ दिस कैटरपिलर लार्वा। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, दे विद द एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन गट के एल्कलाइन पीएच की वजह से ये स्पोर्स दे स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और दे फॉर्म टॉक्सिन्स। एक्चुअली में टॉक्सिन्स तो यहाँ पे भी फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कैटरपिलर लार्वा के गट में का पीएच अल्कलाइन होगा, तो अल्कलाइन मीडियम में जो टॉक्सिन्स रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे ये टॉक्सिन्स, तो फाइनली ये क्या करेंगे कि जो गट है, गट में पोर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे ये टॉक्सिन, और जिस फाइनली पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से ये कैटरपिलर लार्वा डाई कर जाएंगे। तो ये एक्चुअली में करेंगे क्या, जितने भी ना, अब व्हेन कैटरपिलर व्हेन बैसिलस थ्यूरिंजियेंसिस स्प्रेड
वैन बैसिलस थुरिंजियंसिस स्प्रेड ऑन क्रॉप फील्ड फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज देन क्या होगा जब ये स्प्रे कर दिया जाएगा क्रॉप फील्ड ऑफ ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज, तब ये एज सच रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। एंड जब इन्हें कैटरपिलर लार्वा फीड करेंगे व्हेन कैटरपिलर लार्वा फीड ऑन दीज प्लांट्स लीव्स और किसी भी पार्ट प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर ये फीड करते हैं तब क्या होगा दे फीड ऑन दीज पार्ट ऑफ प्लांट स्पोर्स गेट ट्रांसफर्ड ऑन ट्रांसफर्ड इन द गट ऑफ कैटरपिलर लार्वा। अब कैटरपिलर लार्वा के जब गट में ये ट्रांसफर होंगे इन द एल्कलाइन मीडियम द टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज, अब स्पोर्स फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे इन बैसिलस थुरिंजियंसिस। नाउ स्पोर्स कन्वर्टेड और डेवलप्ड इनटू बैसिलस थुरिंजियंसिस genesis after which they form toxins in the alkaline medium। यहाँ पे bacillus thuringiensis क्या करेंगे, bacillus thuringiensis में convert होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया नाउ प्रोड्यूस करेंगे अब बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस क्या होगे कि ये बैक्टीरिया आज ट्रांसफर्ड इन द गट ऑफ दिस कैटरपिलर लार्वा। अब गट में ट्रांसफर्ड होने के बाद क्या हुआ कि ये जनरेट करेंगे टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करेंगे विद इन द गट ऑफ कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा
Now these prototoxins converted into active toxins. Converted into active toxins. Active toxins में convert हो जाएंगे in alkaline medium. Medium of gut, alkaline medium of gut. अब alkaline medium होने की वजह से prototoxin active toxin में convert हो जाएंगे. Finally they form pores in the gut of larva. Form pores in the gut of larva. लार्वा के गट में ये पोर्स का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे. अब इससे क्या होगा, जो गट वॉल है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फाइनली जो होल लार्वा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो मेथड यही होगा यहाँ पे, यहाँ बैसिलस थ्रिंजियासिस, लेकिन इसे भी रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इस मतलब कि इसका क्या मतलब है कि अभी तक बीटी जितने भी बैसिलस थ्रिंजियासिस थे इनके पास ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से, जिससे अगर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑलरेडी डिस्कस है, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू एक प्रोटीन और एक टॉक्सिन एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसे एज ए प्रोटॉक्सिन्स बोला जाता है. नाउ ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. फाइनली ये क्या किया गया, थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया बीटी टॉक्सिन, बीटी जितने भी बैसिलस थ्रिंजियासिस बैक्टीरिया हैं इनके जीन्स को. अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया गया, इसे भी रिमूव कर दिया गया कि होल बैक्टीरिया को स्प्रे ना करके जो बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजियासिस में जिस टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वही टॉक्सिन्स को प्लांट में वही टॉक्सिन्स की सिंथेसिस अगर प्लांट करने लग जाए तो बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा उस स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजियासिस, इनके बार बार स्प्रे को कम करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स बनाए गए. इसमें क्या हुआ, अब जब भी ये इसमें क्या किया गया, ये प्लांट्स एग्जांपल इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन. इसमें बीटी कॉटन एक्चुअली में होते क्या है, दैट इज बीटी फॉर एग्जांपल बैसिलस थ्रिंजियासिस कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये कॉटन है. इसमें क्या किया गया, जो सीड्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये प्लांट के जीनोम है. अब यहाँ पे प्लांट के जीनोम दैट मीन्स डीएनए, प्लांट जीनोम, प्लांट जीनोम में बैक्टीरियल जीनोम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो भी बैसिलस थ्रिंजियासिस, जिस उस पार्ट को जहाँ से उस पर्टिकुलर प्रोटॉक्सिन की सिंथेसिस हो रही थी. तो ना यहाँ पे जो बीटी बैसिलस थ्रिंजियासिस बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के जीनोम को यहाँ पे प्लांट के जीनोम से फ्यूज कर दिया गया और टैग कर दिया गया यहाँ पे अलग करके बाय द बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. फॉर एग्जांपल हियर इज प्लाज्मिड और बैक्टीरियल जीनोम. यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पार्ट ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉक्सिन, तो ये इस पार्ट को निकाल करके और सेपरेट करके देन प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया. अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट यहाँ इस सेगमेंट पे फॉर एग्जांपल के अगर बैसिलस थ्रिंजियासिस के जीनोम को ट्रांसफर कर दिया गया है और टैग कर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू,
यहाँ पे जोड़ दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है, तब क्या होगा, जो टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, ये प्लांट अब खुद इस टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन these plants by the process of translation these plants synthesize प्रोटॉक्सिन्स और इनएक्टिव टॉक्सिन्स। इनएक्टिव टॉक्सिन्स जैसे बैसिलस थ्रिंजेनेसिस में जिस टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा था, अब प्लांट इतने एबल हो गए हैं कि वो भी सिंथेसाइज कर सके उस टॉक्सिन्स का। जब इस प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर कोई कैटरपिलर लार्वा या अदर लार्वा फीड करते हैं, तब क्या होगा, यही टॉक्सिन्स एज ए प्लांट में कैसे थे, प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में थे। दैट मीन्स कि ये प्लांट को तो कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब ये अगर कोई कैटरपिलर लार्वा इन्हें फीड करता है, तब क्या होगा, एल्कलाइन पीएच, सेम वही मेथड, एल्कलाइन पीएच में, ये एल्कलाइन मीडियम में they converted into the active toxins. Active toxins में convert हो जाएंगे, same वही method, then finally जो larva हो जाए, larva है वो kill हो जाएगा, die कर जाएगा इसी method के through. Now another example is introduction of trichoderma. Introduction of Trichoderma. Trichoderma fungi. Fungi, actually these fungi are free living fungi. Free living fungi. But they are good control, or they are well controlled of bio good or well control by control agent of insects and other arthropod. Another example is baculovirus. These are also act as a, for example, जितने भी helminths and ये भी actually में insecticides and pesticides को control करेंगे। यहाँ पे baculovirus actually में कैसे as a bacteriophage की तरह work करते हैं। These are the member of nucleopolyhedrons, member of nucleopolyhedrons. They also control
pests and insects. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में जनरली इनका यूज किया जाएगा. नाउ यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. नाउ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में कैसे बीटी या बैसिलस थुरिंजियनसिस, देन ट्राइकोडर्मा फंजाई यूज किया गया, देन बैक्यूलो वायरस. यहाँ पे ये एक्चुअली में फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते, फ्री लिविंग फंजाई है. ये फ्री लिविंग फंजाई है बट ये कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स को. नाउ बैक्यूलो वायरस, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन के मेंबर हैं ना, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं अदर पेस्ट एंड इंसेक्ट्स को. नाउ इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.